और इतना फर्स्ट क्लास चाय का लंगर स्नैक्स मिल रहे हैं, समोसे जलेबी लड्डू पास्ता केले सेब, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा पंजाब ही यहाँ पे आ गया। सो जो हमने बॉक्सिंग डे की शॉपिंग करी थी वो आई थिंक सामान सारा आ चुका है, हमने कैमरे में चेक कर लिया था कि आप बाहर देखो जरा हालत, इतने बॉक्सेस हमने कभी भी मंगाए, बट ये अच्छी बात है कि आज अभी घर पे हैं तो सारा सामान आ गया, सारे अभी अंदर रखते हैं, अभी और भी डिलीवरीज आनी है, आज बहुत सारे बॉक्सेस आने हैं, सो ये अंदर रखते हैं, शाम को जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको दिखा देंगे क्या क्या खजाना है इसमें, अभी क्विकली अंदर रखते हैं बिकॉज बाहर बहुत ठंड है एंड आजकल थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स भी हो गए, पोर्च पायरेट्स बहुत घूम रहे हैं आजकल, वो उठा लेते हैं तो इतने ज्यादा देख के तो कोई उठा सकते हैं, फटाफट रखते हैं अंदर। आज मम्मी को मिनी पंजाब ऑफ कनाडा घुमाने लेके जा रहे हैं, अंधेरा होने वाला है इतना उनको पता नहीं चलेगा, बट विल ट्राई के दो तीन जगह कवर कर पाए, कुछ काम भी है वहाँ पे, तो ब्रैम्पटन के दर्शन कराते हैं मम्मी को आज और ब्रैम्पटन का खाना खिलाते हैं। ब्रैम्पटन हम सोफा वगैरह अपना देख के आ गए, उसमें कुछ इशू था तो कल डिलीवर हो जाएगा, बट हम आ गए मॉल्टन, बिकॉज मॉल्टन के गुरुद्वारे हम कभी नहीं गए, अंदर नहीं गए, अगर आपको याद हो पापा के पकोड़े वाला व्लॉग वो यहाँ का था, गुम हुए थे जब हम जा नहीं पाए थे गुरुद्वारे के अंदर, नगर कीर्तन से बाहर से होके आ गए, तो आज हम अंदर जाएंगे मम्मी को दर्शन कराते हैं, डिक्सी गुरुद्वारा भी है बट हमने कहा यहाँ हम कभी नहीं आए तो यहाँ पे होके आते हैं, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। मम्मी जी से पूछो भाई एक्सपीरियंस, फर्स्ट आई थिंक ब्रैम्पटन मॉल्टन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मतलब कनाडा के गुरुद्वारे में इतनी संगत देखी है, मतलब अपने बंगला साहब में और सीसगंज साहब में जितनी संगत होती है ना उससे भी ज्यादा ही संगत लगी है मेरे को, और इतना फर्स्ट क्लास चाय का लंगर स्नैक्स मिल रहे हैं, समोसे जलेबी लड्डू पास्ता केले सेब फ्रूट सलाद, हमने प्लान किया था कि हम ब्रैम्पटन आया तो हम बाहर खाएंगे, इतना ना मतलब बढ़िया समोसे थे, हमने पेट ही भर लिया खा कर, बहुत अच्छा लगा और चाय इतनी टेस्टी थी ना, मतलब मैं दिल्ली में आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी किसी गुरुद्वारे में, मतलब लंगर में तो होता ही सब कुछ स्वाद है, बहुत बढ़िया मजा आ गया, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पूरा पंजाब ही यहाँ पे आ गया टोटल, और ये अभी आज वेंसडे है मतलब वर्किंग डे है, वीक डे है, तब इतनी संगत है, मतलब मुझे भी अच्छा लगा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, मतलब अंदर भी हॉल बहुत ही बड़ा है, हम जनरली ब्रैम्पटन के जाते हैं और अपने वहाँ पे हम ओकविल वाले में जाते हैं, हाँ बट बहुत अच्छा लगा रौनक देख के इतनी, और यहाँ मतलब पंजाबी पॉपुलेशन तो है ही मॉल्टन ब्रैम्पटन में, सब मम्मी कह रही लग नहीं रहा कि कनाडा में है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में किसी गुरुद्वारे में, मम्मी को अच्छा लगा कुछ कह रहे बहुत रौनक है यहाँ पे, बोर हो जाते थे, अभी लगता है 6 महीने रह के ना ये हमें कन्विंस कर देंगे ब्रैम्पटन मूव हो जाओ, बट सही है जो आसपास रहते हैं इनके बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए इजी होता है वॉकिंग डिस्टेंस पे गुरुद्वारा है, तो आज एक और रीजन भी है कि आज थोड़ी सी ठंड कम है तो जो वॉक करके आते हैं बुजुर्ग वगैरह वो आ गए, तो आज ये भी है टेम्परेचर अभी नेक्स्ट 7 डेज तक अच्छा है, अब ब्रैम्पटन आई है तो कुछ तो खा के जाएंगे, मतलब टेक अवे लेके जाएंगे, प्रॉपर सिटिंग का तो आई थिंक फायदा नहीं है, इतना कुछ खाना नहीं है, कुछ टेक अवे ले लेते हैं, तो ब्रैम्पटन आया तो इंडियन फूड लैंड हम आते हैं ज्यादातर समोसे लेने हैं कुछ भी, तो मेरे को साग दिख गया है, साग ले लेते हैं, वीकेंड पे साग बना लेंगे, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है बट उनको पता नहीं यहाँ वाला पसंद आएगा इन, क्योंकि हरमीत की मम्मी को नहीं पसंद आया था, कह रहे हैं कि ज्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहे, रपीनी होती है यहाँ पे और पालक डालते हैं हम नॉर्मली, मम्मी कह रही दिखा कौन सा लिया ये पक्का नहीं लेने, ये जो भी है तो फ्रेश बाथू लिखा हुआ है, मम्मी को समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला यहाँ पे, पूछने गई है वहाँ पे, हम नॉर्मली डालते नहीं क्योंकि मिलता नहीं है, बट समझ नहीं आ रहा कौन सा है, बोला था ये नीम है, मम्मी ना दिल्ली की तरह ले रही है मूंगफली टेस्ट कर करके खड़े खड़े 2-3 मूंगफलियां खा गए, एक को खा दिया एक को आपके घर पे पिन्नी बना रहे हैं, यहाँ पे पिन्नी मिल रही है, कब बनेगी पिन्नियां, बन जाएंगे, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से डाल लो, लोड़ी का सामान आ गया एक्चुअली, गुड रेबड़ी बढ़िया बढ़िया चूज करके डाल लो, मम्मी लोड़ी की तैयारियां कर रही हैं, कह रही है कि कम लग रही है मेरे को मूंगफलियां, लोग आएंगे तो मैंने कहा बात तो जानी पड़ेगी, जलाने ते बंड दे होपफुली, मतलब हमने लास्ट टाइम भी जलाई थी, इस ईयर भी करी थी, नेक्स्ट ईयर भी जला लेंगे बाहर, थोड़ी सी बॉनफायर तो कर ही सकते हैं, वो बात अलग है कि बिल्कुल कवर होके मैं बैठना पड़ेगा, ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जैसे बेबी की पहली लोड़ी है, यू नेवर नो क्या सिचुएशन होगी, यू नेवर नो, ये लो कुछ नहीं जा सकते, और जो मम्मी को बिस्किट नहीं मिला वो भी मिल जाएगा यहाँ पे, क्रैक जैक चल गया ना, और
मम्मी का ब्रैम्पटन का एक्सपीरियंस। चिली चिकन खाते हुए पूछते हैं कैसा लगा स्टोर और ब्रैम्पटन, जितना भी देखा अभी अंधेरे में। और मैं गरम गरम खाऊंगा बिकॉज चिली चिकन घर जाके खराब हो जाएगा। मनप्रीत फिश खा लेगी घर जाके, समोसे पकौड़े और क्या 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 ले लिए। ब्रैम्पटन आओ तो ये होता है कि समोसे यहाँ अच्छे मिलते हैं तो यहाँ से हम लेके जाते हैं नॉर्मली, और आज गुरुद्वारे में लंगर खा लिया था, भूख भी इतनी नहीं है। मम्मी को याद आ जाएगी जेल रोड की कंपनी देने के लिए मम्मी। हाँ जी अच्छा हो गया, मतलब मैं तो अलग अलग लेना पड़ता था। कैसे लगा आपको स्टोर, कैसा लगा आपको? बाथू नहीं मिला, बाथू साग मिल गया, कह रहे बाथू नहीं मिला, बट साग भी अजीब टाइप का ही है, रपी नहीं मिलती है यहाँ पे। हाँ आपको शायद टेस्ट भी ना पसंद आए, बट ठीक है अपने साइड से बनाएंगे। बाथू तो मुश्किल ही है यहाँ पे मिलना। हाँ हमने हम कभी डालते नहीं, हम मिला ही नहीं कभी, तो वही इंडिया में है ना कि डालते हैं, नहीं पता है हमें, बट यहाँ कभी हमने डाला नहीं, उसके बिना भी सही बन जाता है और टेस्ट डेवलप हो चुका है एक्चुअली ना। जिस चीज का मैंने नाम ही आज सुना है, मेरे को तो पता था, बट इंडिया में होता है कि आपको ना वो प्रॉपर काट के पूरा वो बना के देते हैं कि पालक बाथू एंड साग सब कुछ देते हैं साथ में। यहाँ पे अलग अलग लेके जाके साफ करो, मेहनत बहुत लगती है, बट क्लीन होता है एटलीस्ट घर पे अपने हिसाब से, हम काट के बना सकते हैं। शायद मम्मी को पसंद नहीं आएगा, और मम्मी बहुत अच्छा बनाती है इंडिया में, बट यहाँ भी ट्राई कर लेंगे एक बारी। बट आपको क्या डिफरेंस लगा ब्रैम्पटन में? ये है कि एक तो सारा पंजाबी स्टाफ है यहाँ पे, पंजाबी में ही लगे हुए हैं। दूसरी चीज हर एक चीज पंजाबियों वाली जो है वो सब मिल रही है यहाँ पे। और ये देखो हम चिकन चिली खा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। वही खाने पीने के लिए, रौनक के लिए, और पेरेंट्स जैसे जिनके होते हैं जो गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, उनके लिए ब्रैम्पटन इज द बेस्ट प्लेस। हमारे पेरेंट्स को भी यहाँ के ज्यादा अच्छा लगता है, रौनक लगती है, बट ठीक है जब आप परमानेंटली मूव हो गए यहाँ पे तब हम सोच लेंगे परमानेंटली मूव होने का ब्रैम्पटन, बट जब तक आप नहीं आ रहे तो तब तक हम भी नहीं सोच रहे। और ये लगे में खुशबू आ रही है बड़ी जबरदस्त, कन्वर्ट हो जाओ तुम भी नहीं नॉन वेजिटेरियन में, खाओ खाओ। तो मैं मम्मी को बता रही थी कि ये जगह इंडियन फूड लैंड और पास में नो फ्रिल्स है, हम यहाँ पे आते थे जब हम शुरू में बेसमेंट में रहते थे, $3 बचाने के लिए हमें इंश्योर करते थे 2 घंटे में सामान लेके वापस जाएं। और बहुत बार ऐसे होता था कि टाइम ऊपर हो जाता था तो हम सामान खुद हाथ में उठा के वॉक करके जाते थे 3-4 किलोमीटर, वो भी स्ट्रगल्स थे, ठंड होती थी, एंड तब हम वीडियो बना के जाते थे, पता नहीं कैसे सामान उठाया हुआ इतना और सब कुछ, वो इनिशियल डेज थे, स्ट्रगल किया सब कुछ किया, उन दिनों की मेहनत ही अब रंग लाई है ना आपको जो कामयाबी। अब देखो गाड़ी में घूम रहे तब भी वीडियो बनाने में ना आफत आती है, उस टाइम पता नहीं कैसे ठंड में हाथ में थैले पकड़ के हमने जॉब्स वाला बनाया था इनिशियली। हाँ उस टाइम नया नया जोश भी था ना भाई, ये भी था, एक्साइटमेंट होती है शुरू, इसलिए जितने भी यूट्यूबर्स है ना चैनल खोलते आते ही, इनफैक्ट इंडिया से खोल के आते हैं, फिर 6 महीने में जब सब कुछ सेटल हो जाता है, गाड़ी हो गई, फिर चिल हो जाते हैं, फिर यूट्यूब पे वीडियो कम हो जाते हैं। बट यहाँ जब भी आना हमेशा वो मेमोरीज रिवाइव हो जाती है कि यार स्ट्रगलिंग डेज भी देखे हमने, बिना गाड़ी के कैसे रहते थे, तब मेरे पास भी जॉब नहीं थी तो इनिशियली बेसमेंट में रहना, 5-6 महीने रहे हम बेसमेंट में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, बट ठीक है यार वो चीजें थी वो भी एक्सपीरियंस किया, तभी हम अब जो एंजॉय कर रहे हैं तो अब वो अच्छा लग रहा है। तो बट शुरू में हमने पहले भी बोला है कि अगर आपको होमसिक फील नहीं करना चाहे 1-2 महीने ब्रैम्पटन में आके रहना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्रैम्पटन में रहना है नहीं रहना, बाहर मूव होना है, आपकी जॉब कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मूव होना है। यहाँ पे आओगे आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा इंडिया आ गए हो, सब कुछ मिलेगा, ग्रोसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर है कंपैरेटिवली और सिटीज से, को खाना वाना भी मिल जाएगा, होमसिक फील नहीं होगा बेसिकली, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। चलो घर चलते हैं, यहाँ पे पॉडकास्ट थोड़ी चल रहा है, घर चलो पॉडकास्ट कंटिन्यूज। हम मनप्रीत को हमने कन्विंस कर लिया कि घर जाके नहीं खानी फिश, यहीं पे भोग लगा दो, इतनी गरम गरम है, लो लो लो, नहीं खाओ ना, अरे दो ना, पकड़ो जल्दी, गरम है मेरा हाथ, चाहो फिश वाली आंटी फिश लगा दो, बताएंगी मम्मी, बताएंगी कि जेल रोड वाला टेस्ट है कि नहीं, नहीं नहीं उसका जो टेस्ट है ना भाई, जो रहते हैं तिलक नगर के आसपास नागी फिश कॉर्नर है फूलों वालों के साथ, सर्दियों में उसकी खाना वो अलग ही टाइप का टेस्ट है, उसमें लेयर मसाला नहीं डाला बाकी तो सही है, वो ऊपर अलग से मसाला डालता है ना जो उसका बड़ा स्वाद आता है, नींबू निचोड़ के हम जाके घर जाके ना इस पे चाट मसाला डाल लेंगे, नहीं बट एक्चुअली ये वाली है, इट्स लाइक लेयर लगी हुई इसके ऊपर, उसके ऊपर लेयर कुछ नहीं होती, उसका भाई जो टेस्ट है ना भाई, लास्ट ईयर मेरे पापा ने इतने खाए थे ना, वो बहुत मजा आया था, सर्दियों में हमने बहुत पकौड़े खाए थे, वो कभी कोई जाए तिलक नगर के आसपास तो फ्री प्रमोशन, नागी फिश कॉर्नर छोटी सी दुकान है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी बायस भी हो रही है क्योंकि वो भी नागी है और ये भी नागी है, नहीं एक्चुअली खा के देखना वहाँ लाइन लगी होती है, रिश्तेदार नहीं है वो भाई, ऐसी बात नहीं हमें सस्ता नहीं देता, वो 500-1000 रुपए की आती थी वो, कितनी 250 ग्राम कॉस्टली है बट इट्स वर्थ इट, सर्दियों में खाना मजा आ जाएगा, गरम गरम खाने चाहिए थे वहाँ पे, बट घर आके आराम तसली से खाएंगे, तो एयर फ्रायर में गरम कर लेते हैं फिश एंड समोसे और डिनर करके सोते हैं, और अब अनबॉक्सिंग की हिम्मत नहीं बची, अभी सामान कुछ और भी आना है कल, तो आई थिंक एक साथ ही सारा करेंगे, वहाँ बॉक्सेस का ढेर लगा हुआ है लेकिन कल करेंगे सारा काम, आज के लिए ये संभालने में बहुत। सो
तो मम्मी इतने अच्छे अच्छे सूट लेके आई इंडिया से पहनने के लिए, बट बाहर जाते हैं तो जैकेट पहननी पड़ती है ऊपर, तो सूट दिखते नहीं। मम्मी का सूट देख लो, मम्मी ने प्रेस करके पहना है। क्या करें, जो भी लेके आए हैं पहन सकते नहीं है, ऊपर के जैकेट आ जाती है, तो अब क्या करें, कोई देख भी नहीं पाएगा हमारे सूट, और वैसे भी यहाँ पे ठंड है। एनीवे, जिन जिन ने इतने इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं हमारे ब्लॉग को देख के, बहुत बहुत थैंक यू आपका। कीप वॉचिंग एंड स्टिक अराउंड।